शुरुआत करते हैं एक मिनट एक खबर। ममता बनर्जी आज लगातार तीसरी बार बनने वाली हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। एक मिनट में खबर। ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ममता बनर्जी अकेले शपथ लेंगी। ममता लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही हैं। इसके बाद 6 मई को मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, विमान बोस, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को निमंत्रण भेजा गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को भी शामिल होने का न्योता है। प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, अब्दुल मन्नान, अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण के बाद दोपहर 12:30 ममता बनर्जी को सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ममता बनर्जी कोरोना के हालात पर पहली मीटिंग सचिवालय में करेंगी। इस मीटिंग के लिए सभी जिलाधिकारियों, सभी जिले के सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रमुखों को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। ममता की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वही बंगाल हिंसा के घबराए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता असम की तरफ पलायन कर रहे हैं। पूरी खबर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच सोमवार को बीजेपी के 300 से 400 कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर असम पहुंचे हैं। ये दावा असम सरकार में मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने किया है। हेमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके कहा है कि ये एक दुखद घटनाक्रम में 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता परिवारों के साथ असम के धुबरी में आकर रुके हैं। उन लोगों ने बंगाल में अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद बॉर्डर पार किया है। हम सभी को आश्रय और भोजन दे रहे हैं। ममता दीदी को लोकतंत्र के इस गंदे नाच को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया है। NHRC ने कहा है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में कुछ लोगों की मौत के बारे में अखबारों में प्रकाशित खबरों का उसने संज्ञान लिया। केंद्र ने राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज उसके विरोध में बीजेपी का देशव्यापी धरना है। पूरी खबर देखते हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के विरोध में सुबह सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धरने के साथ शुरुआत की। धरने में जेपी नड्डा का साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी दे रहे हैं। सुबह 9:30 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए प्रदेश मुख्यालय पर न्याय की मांग की जाएगी। सुबह 10:00 जेपी नड्डा नॉर्थ 24 परगना पहुंचेंगे, जहां परिवारों से मुलाकात करेंगे। शाम 4:00 जेपी नड्डा संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें सांसद, विधायक और दूसरे नेता शामिल होंगे। कल बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की थी। ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस, हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ, गैंग रेप हुआ। जेपी नड्डा के मुताबिक आजाद भारत में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने पहले कभी भी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी थी। नड्डा ने हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने ऐसे इलाकों में लॉकडाउन की वकालत की है जहां पर कोरोना संक्रमण के केसेस 10% से ज्यादा हों। पूरी खबर देखते हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कहा कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण दर 10% से ज्यादा या जहां अस्पतालों में 60% से ज्यादा बिस्तर भर चुके हों, वहां सख्त लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने नाइट और वीकेंड कर्फ्यू को बेअसर बताया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उन इलाकों में सख्त क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाने की जरूरत है जहां कोरोना की संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लोगों की आजीविका और दिहाड़ी मजदूरों पर इसके प्रभाव को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन समाधान नहीं हो सकता। कम संक्रमण दर वाले इलाकों में पाबंदियों के साथ दैनिक गतिविधियों की इजाज़त दी जानी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्तर पर मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकता, इसलिए पर्याप्त समय तक इसके लिए सख्ती से नियमों का पालन कराया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। देखते हैं एक मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में फैले कोरोना और ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्यों न केंद्र के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में मूंछ पा सकती है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों में फंसी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो नहीं मिल पाई। दिल्ली हाईकोर्ट में करीब 4 घंटे की सुनवाई के दौरान जो आदेश है उसमें केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हमको जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई है। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात नहीं कही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य बताया है। कोर्ट ने इसे नरसंहार जैसा बताया। यूपी में कोरोना और ऑक्सीजन के हालात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोरोना मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये किसी नरसंहार से कम नहीं और ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी थी। कोर्ट ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी की वजह से लखनऊ और मेरठ जिलों में कोरोना मरीजों की जान गई है। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना संक्रमण पर जनहित की सुनवाई करते हुए ये सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मतगणना के दौरान कोविड निर्देशों के उल्लंघन पर भी जानकारी मांगी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर ने नई एडवाइजरी जारी की है। पूरी खबर देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर देश भर में बेहद जानलेवा साबित हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर की एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसे दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि लेबोरेटरीज पर बढ़े दबाव की वजह से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा कर रहा है तो उसे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने से छूट दी जा सकती है। आईसीएमआर ने इसका कारण प्रयोगशालाओं पर भार को कम करना बताया है। पॉजिटिव आए लोगों की दोबारा जांच पर रोक का निर्देश भी लैब पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। और दूसरे विशेषज्ञों की राय है कि हल्के संक्रमण की स्थिति में रोगी में 7 से 10 दिनों में वायरस का प्रकोप खत्म हो जाता है। ऐसे में आरटीपीसीआर जांच कराने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.